तो दोस्तों आज है लेक्चर नंबर 2 का। हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज के बारे में। आज हम उसी से आगे जाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। उससे पहले कुछ एक दो बातें जो आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था चार्ज को क्यों से दिखाते हैं, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब, ठीक है। आप लोग जाके देख सकते हैं। दूसरी चीज, चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जो बॉडी, दो बॉडी को रब करने के बाद जो बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है वो बॉडी में आता है पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसमें आता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये कुछ चीजें थी। और हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना और इलेक्ट्रॉन गेन करना, मतलब कहीं ना कहीं चार्ज की अगर मैं बात करूं तो चार्ज के लिए जो एलिमेंट्री पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम के लास्ट ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं फ्रीली, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बाइंड रहते हैं, इसलिए चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसकी एक आर्बिट्रेरी वैल्यू रहती है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ई नेगेटिव से दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन को, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, ठीक है। और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज रहता है, तो ई प्लस से या पी से दिखा सकते हो प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, ठीक है। अब इससे आगे हम लोग जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। कोशिश करूंगा कि सारी वीडियो मेरी 5 मिनट से नीचे ही रहे, क्योंकि उससे ज्यादा लंबी जो वीडियो रहती है वो बहुत लेंथी रहती है, फिर इंटरेस्ट भी बनता है। तो पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट एंड सेम चार्ज रिपल ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास अपोजिट चार्ज है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, इनको एक दूसरे के नजदीक लेके जाओगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है भैया। और ऐसे ही सेम चार्जेस है मेरे पास, लाइक प्लस और प्लस, एक दूसरे के पास आओगे तो लड़ेंगे, बोलेंगे तेरे पास नहीं रहना मैंने, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल। सेम ऐसी माइनस एंड माइनस, दो नेगेटिव चार्जेस को लाओगे ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल, ठीक है। अपोजिट चार्ज माने अट्रैक्ट करते हैं, एक लड़का और एक लड़की, सेम चार्ज मतलब दो लड़के, दो लड़कियां लड़ते रहेंगे, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी सब लोगों को क्लियर होगी, ये लेके चलता हूं, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज माने देखो, मैं अगर मास की बात करूं तो मेरे पास बहुत सारी बॉडीज हैं, एक 1 kg की है, ठीक है, एक 1 kg की बॉडी है, और एक 2 kg की बॉडी है, एक 3 kg की बॉडी है। तो हम लोगों को पता है कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये तीनों बॉडी को अगर ऐड करोगे तो नेट मास कितना आएगा बताओ जरा, 1 kg, 2 kg, 3 kg, तो 6 kg आएगा ना। तो मास को हम लोग सीधे ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही जो चार्ज है, चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो उसको भी हम लोग इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। लेकिन मास और चार्ज की बात करूं दोनों में एक डिफरेंस है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है लेकिन चार्ज प्लस भी होता है माइनस भी होता है। प्लस किसमें आता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, माइनस किसमें आता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है ना। तो खैर, एडिटिविटी ऑफ चार्ज सेकंड में आप लोगों को बता रहा हूं, मेरे पास एक बॉडी है एडिटिविटी को समझने के लिए। तो ये बॉडी, इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, ये प्लस Q1 चार्ज है, ये प्लस Q2 चार्ज है, ये प्लस Q3 चार्ज है, तुम लोग बोलोगे सारे के सारे प्लस लिख रहा है। चलो ये अगला वाला माइनस Q4 चार्ज है, ये माइनस Q5 चार्ज है। तो इतने सारे चार्जेस हैं मेरी इस बॉडी में, मुझसे पूछता है कि इस बॉडी का नेट चार्ज क्या है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी का जो नेट चार्ज होता है उस बॉडी पर प्रेजेंट जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं, जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं, प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, इन्हीं सब के सब चार्जेस का क्या करेंगे, हम एल्जेब्रिक सम कर लेंगे, माने कि इनको ऐड कर देंगे। तो नेट चार्ज कितना रहेगा बॉडी का देखते हैं, प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये कितना है, माइनस Q4 ये कितना है, माइनस Q5। तो इस बॉडी का जो नेट चार्ज होगा, जैसे मास को ऐड करते हैं ना, ऐसे चार्ज को ऐड कर दोगे, प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये प्लस क्या है, माइनस Q4 माइनस Q5, इसको बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देना आप लोगों को, देखो एग्जांपल देख के समझते हैं इसको। जैसे एक बॉडी है, यहाँ पर वो प्लस 2 कूलम्ब का चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलम्ब रहती है, यहाँ पर -3 कूलम्ब का चार्ज है, इधर +5 कूलम्ब का चार्ज है, और इधर पे -1 कूलम्ब का चार्ज है। मुझसे बोलता है इस बॉडी का नेट चार्ज बताओ, तो इस बॉडी का नेट चार्ज सबको ऐड कर दो, +2 -3 यूनिट एक साथ लिख देंगे, +5 -1 सबको ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा,
सेवन, सेवन माइनस फोर करोगे तो कितना आ जाएगा थ्री, है ना, वो भी प्लस का आएगा तो प्लस थ्री कूलम। तो ये एडिटिविटी चार्ज से हम लोगों ने किसी भी बॉडी का नेट चार्ज निकालना सीख लिया। अगली चीज, अगली प्रॉपर्टी है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, मतलब कि जो चार्ज है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन तुमने अपने हाथ में रखा है, ठीक है, हाथ में रखा है, अभी रेस्ट में है ना, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है। अब ये इलेक्ट्रॉन को आपने एक ट्रक में रख दिया और ट्रक तेजी से चल रहा है, तब भी उसके चार्ज की वैल्यू इतनी रहेगी। अब इस इलेक्ट्रॉन को आप लोगों ने क्या किया है, प्लेन में रख दिया, प्लेन तेजी से मूव कर रहा है, तब भी जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है फिक्स रहेगा, मतलब जो है चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, तो चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तीसरी प्रॉपर्टी होगी। अब जो चौथी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इनके लिए मैं एक अलग अलग लेक्चर बनाऊंगा तीनों के लिए, क्योंकि तीनों काम की प्रॉपर्टी है और तीनों में 5 मिनट लग सकते हैं, 5 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा हो गया होगी, सॉरी, बट हो गया, दैट्स ऑल, थैंक यू।